हेलो दोस्तों, नमस्कार गाइस। तो फाइनली आइए जानते हैं इंडियन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी एक और बहुत बड़ी मूवी के बारे में, जिस मूवी से जुड़ी काफी बड़ी लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इसी मच अवेंटेड मूवी का नाम है खलनायक 2। इसी न्यू अपकमिंग मूवी में पावर स्टार सुपर स्टार संजय दत्त दोबारा खलनायक के रूप में नजर आने वाले हैं। दरअसल 1993 में संजय दत्त की एक मूवी आई थी जिस मूवी का नाम था खलनायक। स्टारों से लेस इसी मूवी में जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित और संजय दत्त ने अपने एक्टिंग और स्टाइल के बल से चार चांद लगा दिए थे। उसी जमाने में ये मूवी खलनायक दर्शकों के दिल में बहुत ही गहरा छाप छोड़ गई थी, जो आज तक नहीं मिट पाया है। और ये मूवी खलनायक इंडियन बॉलीवुड सिनेमा के बॉक्स ऑफिस पर बहुत जोर शोर के साथ धमाल मचाकर ब्लॉकबस्टर के लिस्ट में शामिल हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, और अब इसी मूवी खलनायक का पार्ट 2 आ रहा है, जिसको वही पुराने डायरेक्टर सुभाष घाई के निर्देशन में बनाया जाएगा। अगर बात करें इसी मूवी खलनायक 2 के मेन एक्टर संजय दत्त के बारे में, तो अभी हाल ही में KGF चैप्टर 2 पृथ्वीराज शमशेरा जैसे मूवी में बहुत ही खतरनाक विलन के रूप में नजर आए थे। जी हाँ दोस्तों, और अब संजय दत्त के इसी मच अवेंटेड मूवी खलनायक 2 में पुराने मेन एक्टरों को ध्यान में रखते हुए कुछ नए एक्टरों के कास्टिंग की प्रक्रिया भी जारी है, जिसमें जेकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ को सिलेक्ट किया जाना स्वाभाविक है। और इसी के साथ ये 1993 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी मूवी बन गई थी। पिंक बिला मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब एक बार फिर वो खलनायक के रूप में बॉलीवुड सिनेमा हॉल व इंटरनेशनल लेवल के बड़े पर्दों पर दर्शकों को दिखाई देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्टर सुभाष घाई इसी बात का खुद अनाउंस कर रहे हैं कि खलनायक मूवी में दिखाए गए सभी ओरिजिनल एक्टरों को फिर एक बार इसके सीक्वल में लिया जाएगा, जिस मूवी में आपको फिर से एक बार काफी ज्यादा एक्शन, ड्रामा, थ्रिलर व मर्डर जैसे क्राइम देखने को मिलने वाली है। और साथ में ये भी दिखाया जाएगा कि बल्लू जेल से बाहर कैसे आता है, जिस मूवी को इसी बार 100 करोड़ की लागत व हाई बजट से बनाया जाएगा। मुक्ता आर्ट लिमिटेड कंपनी के बैनर तले बनी इसी मूवी को हिंदी भाषा के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम व इंटरनेशनल लैंग्वेज में डब किया जाना है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, ये मूवी जब इंडियन बॉलीवुड सिनेमा के बॉक्स ऑफिस पर आएगी तो अगले मूवी खलनायक की तरह धमाल मचाएगी या नहीं मचाएगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप इसी वीडियो में नए हैं तो हमारे इसी वीडियो व चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पे मिलता है नई मूवी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट।